press the bell icon on the YouTube app and never. और बांग्लादेश की भी जो इंडिया को दुश्मन मानते हैं वो एक्चुअली दुश्मन अपने आप के खुद के हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, आप इंडिया को दुश्मन कैसे मान सकते हैं? वो आपकी सोर्स कंट्री थी एक्चुअली. तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ऐसी कोई भी बुरी चीज नहीं इंडिया को लेके, अच्छी ही चीज है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो माइग्रेट होके आए थे इंडिया से. पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ था तो उससे तो पहले सब इंडिया, जो इंडिया अभी भी जिसको बोला जाता है, वहीं थे ना पूरे मेरे एंसेस्टर्स, वहीं के इंडिया के, नॉर्थ इंडिया से. तो ये तो बेवकूफी होगी इंडिया को कुछ भी बुरा बोलना ऐसा सच, क्योंकि आप अपने घूम फिर के आप अपने आप ही को बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबके एंसेस्टर्स तो पूरे इंडिया में ही थे ना. तो ये इसमें मुझे कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है. तो मेरी सोच अच्छी ही है इंडिया को लेके. ऑफकोर्स इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारे जबानें, इतने सारे लोग. जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे उन लोगों से जो साउथ इंडिया में रहते हैं. ऐसा है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं इंडिया के अंदर एक्चुअली, और इतने बड़े मुल्क को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है. तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, मुझे खुशी होती है देख के कि इंडिया. अभी कुछ जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे लुबना जैदी को, जो कि है पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं, और वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे और एक्सपोज करेंगी पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद. आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है. और जैसे आज आप देख रहे हैं मेरे साथ, इनका नाम है लुबना. और अब मुझे लगता है कि शायद ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है, मुझे इंडियन व्यूअर्स हमारे, उन लोगों ने ही मुझे इनका तारुफ कराया. और जितने मुखर होकर, जितने वोकल वॉइस आपका है ना मैम, तो वाकई काबिल तारीफ है. तो मेरे साथ है लुबना जैदी, कैंडिड विद लुबना से. और मैं थोड़ा इनके बारे में और बताऊं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं, जिनको नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि मैम का खुद का चैनल है कैंडिड विद लुबना, और वहां पर वो काफी मुखर होकर ये बात कर रही हैं हर उस मुद्दे पर जिस पर शायद अगर पाकिस्तानी इनको गौर से बैठ के सुन ले तो उनकी आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही निकल आए, जिस तरह से ये बात कर रही होती हैं. दूसरा एक बहुत अच्छी चीज मैं इनके, जब इनका देख रही थी मैं डिस्क्रिप्शन, तो बीबीसी के एक हिट शो में भी मैम ने काम किया हुआ है, द अप्रेंटिस. उसके अलावा एक पोएट, एक कवित्री भी है मैम, और इन्होंने, इनकी बुक भी है अगर आप देखेंगे तो, माई लाइफ टोल्ड थ्रू पोएट्री, रिटन बाय लुबना जैदी. सो एक खूबसूरत तारुफ के साथ आज मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है. तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आज आप हमारे मंच पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं देख रही थी आपका, मैंने काफी सारे वीडियोज भी आपके देखे, और आप, इंसान जब मुतासिर होता है, चीजें देखता है और बड़ा एक खुशी होती है कि हाँ, हमारे, हम नहीं और भी लोग हैं जो फिक्र कर रहे हैं इस माशरे की, और खास करके जब हम पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं, तो आप जैसी कोई आवाज सामने आए तो बहुत बदलाव की तो नहीं, लेकिन एक उम्मीद जगती है कि काश इनको सुन लिया जाए. तो मैं जब आपका देख रही थी, आप ब्रिटिशर हैं, आप यूके से हैं, और आपके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह से बिलोंग करते हैं. तो अगर मैं भारत के ही मुतालिक आपसे सवाल करूं कि भारत को आप किस नजरिए से देखती हैं, भारत आपके लिए क्या है जो कि एक आम पाकिस्तानी के नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ, क्योंकि वो लोग बहुत ही पैसिमिस्टिक हैं भारत को लेकर, बहुत ही नैरो माइंडेड हैं, बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, आपकी नजर में भारत क्या है? मुझे ये लगता है कि अच्छी बात यह है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी, तो मैं तो पाकिस्तानी जो सोच है वो मेरे अंदर आई नहीं है. तो मैं चीज़ें इंडिपेंडेंट तरीके से देखती हूँ, और मेरी वैसे भी आदत है कि खुद चीज़ें सोचने की और समझने की. तो मैं जो हूँ ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है इंडिया का हिस्सा था मैं, और मुझे अफसोस होता है देख के कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही मुल्क होते थे और ये पार्टीशन हुआ. मैं जो हूँ इंडिया को अच्छा समझती हूँ, अच्छा मानती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था. तो मेरे नज़र में ऐसे इंडिया के खिलाफ या इंडिया के अगेंस्ट ऐसे मेरी कोई भी इमोशंस नहीं है. वो बेवकूफ़ी होगी, वो सारे पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश की भी जो इंडिया को दुश्मन मानते हैं वो एक्चुअली दुश्मन अपने आप के खुद के हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, आप इंडिया को दुश्मन कैसे मान सकते हैं? वो आपकी सोर्स कंट्री थी एक्चुअली.
तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ऐसी कोई भी बुरी चीज नहीं इंडिया को लेके, अच्छी ही चीज है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो माइग्रेट होके आए थे इंडिया से, पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ था, तो उससे तो पहले सब इंडिया, जो इंडिया अभी भी जिसको बोला जाता है, वहीं थे ना पूरे मेरे एंसेस्टर्स, वहीं के इंडिया के, नॉर्थ इंडिया बिल्कुल से। तो ये तो बेवकूफी होगी इंडिया को कुछ भी बुरा बोलना ऐसा सच, क्योंकि आप अपने घूम फिर के आप अपने आप ही को बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबके एंसेस्टर्स तो पूरे इंडिया में ही थे ना। तो इन्हें इसमें मुझे कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है। तो मेरी सोच अच्छी ही है इंडिया को लेके। ऑफकोर्स इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारे जबान, इतने सारे लोग। जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे उन लोगों से जो साउथ इंडिया में रहते हैं। ऐसा है कि मुल्क के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं इंडिया के अंदर एक्चुअली, और इतने बड़े मुल्क को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, मुझे खुशी होती है देख के कि इंडिया तरक्की कर रहा है। काश पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये बाकी के जो हैं मुल्क वो भी इतना अच्छा कर रहे होते, मगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। और आपने जिस डाइवर्स कंट्री को के बारे में बात की कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से काफी मुख्तलिफ है, बिल्कुल यहाँ पर ना कि केवल क्लाइमेट बल्कि आप रीति रिवाज भी देखेंगे, आप रहन सहन भी देखेंगे, बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज हमें जोड़ती है वो है हमारी यूनिटी, हमारे देश के लिए मोहब्बत। और वो चीज हम आपके भी देख रहे हैं, आपकी बातों में भारत को लेकर एक अपनाइयत है, वो चीजें हमें देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के नजरिए से बात करूँ, आप यूके में हैं इस वक्त, और आप जब भी हम पाकिस्तानियों का देखते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर, जो जिस तरह से वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काफी नेगेटिव है, क्रिमिनल सारी एक्टिविटीज में उनके नाम आते हैं, तब आप कैसे देखती हैं एक पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वो अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो नजरिया है चीजों को लेकर वो काफी खतरनाक और काफी एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है। इस सोसाइटी के इस स्ट्रक्चर को आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में। देखिए मैं अपने आप को ब्रिटिश समझती हूँ, मगर मैं अंग्रेज तो नहीं हूँ, तो सबको नजर आता है कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ। तो पाकिस्तान से जोड़ है क्योंकि मेरे मेरे माँ बाप दोनों वहां पर पैदा हुए थे, और रेपुटेशन जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कंसिस्टेंटली खराब है। ऐसे नहीं कि एक मुल्क में जाके बदनाम हुए पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी मैं बल्कि एक न्यूज रिपोर्ट आ रही थी मेरे यूट्यूब के फीड पे, जो दिखा रहे थे कि यूएई में भी जो लोग हैं काफी अरब मुल्कों में तंग आ गए पाकिस्तानियों से, कि काम सही से नहीं करते हैं और क्राइम्स काफी कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और जब मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू करी तो दूसरे भी लोग जो हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सब लोग कंसिस्टेंटली मुझे बोल रहे हैं, यार अच्छा हुआ तुम ये इन टॉपिक्स पे बात कर रही हो, हम खुद पाकिस्तानी हैं मगर पाकिस्तानी यहाँ पर भी गंद मचा रहे हैं, यहाँ पर भी बदनाम है। तो एक थीम निकल रही है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के जो लोग हैं, सारे पाकिस्तान के लोग नहीं मगर बहुत सारे पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखते हैं, वो उनके हरकतें और बिहेवियर उनका सही नहीं है। और जब तक कोई उनको ये बोलेगा नहीं कि आप जो कर रहे हैं सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ा, हम सबको फर्क पड़ा, क्योंकि सबको, सब दुनिया वालों को भी लग रहा है हम सब खराब हैं आप लोगों की वजह से। तो इनको एजुकेट करना जरूरी है, अवेयरनेस जो है उनके अंदर बढ़ाना जरूरी है कि आप यहाँ गलत हैं, सबको पता है, और आप कंसिस्टेंटली गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप में खराबी हो गई, क्योंकि आप बार बार ये थोड़ी बोल सकते हैं कि बिल्कुल खराबी दूसरे इंसान के ऊपर है, जब पूरी दुनिया आप लोगों से परेशान है तो सुनना चाहिए ना। एक है चलो पूरी दुनिया सही समझती पाकिस्तानियों को, और एक मुल्क गलत बोलता तो फिर एक चीज है कि चलो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मगर जब कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया में आवाज सब एक ही चीज बोल रहे हैं तो सब तो गलत नहीं हो सकते ना। इवन जो पाकिस्तान के खुद के लोग हैं, जैसे मैं ब्रिटिश हूं मगर मेरे माँ बाप पाकिस्तान से, मैं मुझे क्या मिलेगा पाकिस्तान को बुरा बोल के, या मुझे पाकिस्तानियों को बुरा बोल के क्या मिलेगा? तो मैं भी जो हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि मैं यूट्यूब पे आऊँ इन टॉपिक्स पे बात करूँ। अगर मुझे जो है तकलीफ नहीं हो रही होती, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इन बातों से कि मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे अपना टाइम निकालना पड़ रहा है, बिल्कुल चीज समझानी पड़ रही है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं वो समझेंगे ये बात और अपने खुद के मुल्क के अंदर अच्छा चेंज लाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनका काम होता है अपने सिटीजन्स को ये चीज समझाना कि जब बाहर के मुल्क में जाओ तो अपना बिहेवियर आप ठीक रखें, क्योंकि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये छोटी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेशन है ही नहीं, गवर्नमेंट की क्या कम्युनिकेशन है सिटीजन्स के साथ? जब सिटीजन्स बाहर जाते हैं उनको उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनको कोई सेंस नहीं है। तो आई थिंक के पानी जो है सर से काफी वो ऊपर जा चुका है, सब लोग काफी तंग आ चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, वरना फिर हैरान ना हो कि जब वीजे ना मिले आप लोगों को, पाकिस्तानियों को,
लाइन में आप लोगों को जो खड़ा होना पड़ता है, आप लोगों के जो वीजे रिजेक्ट होते हैं, महीने महीने सालों साल कोशिश करते हैं बाहर के मुल्क में जाने के लिए और कोई आपको वीजा नहीं देता, ये वजह है। जब आप लोगों की रेपुटेशन सही होगी तो फिर लोग आपको वीजे देंगे, उस वरना प्लीज उम्मीद ना लगाएं। एग्जैक्टली, ह्यूमन बिहेवियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी दूसरी कंट्री में जाकर आप अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों का इस मामले में रिकॉर्ड दिन ब दिन खराब बदतरीन होता चला जा रहा है। और ये जो आपने न्यूज़ की बात की, मैंने अभी कल ही ये न्यूज़ अपनी कम्युनिटी में भी शेयर की कि ना कि केवल हम यहाँ पे यूएस कनाडा की बात कर रहे हैं, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने यहाँ से मनाही कर दी है कि पाकिस्तानी लेबर्स को हम नहीं लेंगे, क्योंकि काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनके नाम आ रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए एक सोचने का मकाम, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस सोसाइटी का जो ये नजरिया पनप चुका है, जो कि काफी स्ट्रांग हो चुका है, और काफी हद तक मैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो ज़ॉम्बी हो चुकी है, इनसे इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करा सकती है। हालत तो ये है कि इनको ये कहीं पर भी जाके फट जाते हैं, और सिर्फ रिलीजियस चश्मा लगाकर, या एक्सट्रीम एक नजरिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी का ये जबरदस्त इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे लुबना जैदी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और ये कहा कि वो भारत को पसंद करती हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी होना आज के समय पे जो है वो एक अफसोस की बात और एक शर्मनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में गंद मचा रखा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग दमदार और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।